नमस्कार, स्वागत है आपका नई न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, विधायक योगराज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गई है। योगराज चार बार कांगड़ा सहकारी बैंक के निदेशक और जिला सहकारी समितियों के जिला संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1972 में की थी और योगराज ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी, अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मजबूत नेतृत्व के कारण भाजपा में शामिल हुआ हूं। और वहीं पूर्व विधायक योगराज की पत्नी मधु शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। हिमाचल प्रदेश गठन की 75वीं वर्षगांठ को लेकर बिलासपुर सदर व नैना देवी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें कि मंत्री अनुराग ठाकुर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के जुखाला के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने उनके कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं और इस दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। दोनों की बहुत संभावनाएं और उसको लेकर हम यहाँ पर सुविधाएं देना चाहते हैं, हॉस्टल भी बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर न केवल बिलासपुर बल्कि हिमाचल प्रदेश के लिए वो हब बने, यहाँ के खिलाड़ी प्रदेश और देश के लिए मेडल जीते, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा बिलासपुर के लिए एक और इंडोर स्टेडियम ताकि पहले से ज़्यादा क्षमता उसकी बढ़े, उसमें भी लगभग 20 गेम्स खेलने की सुविधाएँ होंगी और हमारे खिलाड़ियों को इससे लाभ मिल पाएगा। जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, प्रगतिशील हिमाचल 75 वर्ष, आज हम जहाँ हिमाचल की उपलब्धियों की बात करते हैं, जो सफर तय किया उसकी बात करते हैं, वहीं पर जन भागीदारी से जन आंदोलन हो, अमृतकाल में हर भारतीय की भागीदारी से प्रधानमंत्री जी के बताए गए 5 प्रण उस पर हम चल सकें और अमृतकाल में इतना काम अपने देश के लिए करें कि भारत एक बार फिर महान बने, भारत को विकास की ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, एकता एकजुटता के साथ, जन भागीदारी के साथ और गुलामी की सोच से मुक्ति पाने के बाद विकसित भारत का निर्माण करें, इस संकल्प के साथ हम चलेंगे और साथ ही साथ गौरवशाली इतिहास जो हमारी विरासत है उसको भी जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है आपके खिलाफ, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार ये देश और दुनिया ने देखा है, शराब घोटाले की बू आज पूरी दुनिया और देश में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के चेहरा चाल चरित्र और चेहरे को दिखाती है। कोई भ्रष्ट हो और ऊपर से तो कहते हैं ना कि चोरी भी और सीना जोरी भी, भ्रष्टाचार भी किया और किस तरह से बेशर्मी के साथ वो एक के बाद दूसरा झूठ बोल रहे हैं। विकासखंड बंजार के अंतर्गत ग्राम पंचायत चकुरुठा के फुगोला गांव को पहाड़ी से खतरा हो गया है और लोग भय के जी रहे हैं। गांव की सामने वाली पहाड़ी गिरने से तबाही मच चुकी है और बड़ी बड़ी चट्टाने व भारी मलबा सड़कों पर आ चुका है, जिस कारण फगवाना दलियाड़ा सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है और लोगों के उत्पाद खेतों में ही सड़ गए हैं। पहाड़ी से लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है और बड़ी बड़ी चट्टानों को चट्टाने संकेत दे रही है, जिस कारण फुगोला गांव के करीब 10 मकानों को भी खतरा हो गया है और ग्राम पंचायत चकरूटा के उप प्रधान रोशन ठाकुर, जिनका मकान भी इसी गांव में है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि गांव के सामने वाली पहाड़ी लगातार दरक रही है और लोगों को जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों के लिए भागना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि शीघ्र घटनास्थल का मुआयना किया जाए और ग्रामीणों की जान बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाए।
प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और साथ ही टिकटों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नाहन में पत्रकारों से एक अनौपचारिक बातचीत में बताया है कि प्रदेश में चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और टिकटों का आवंटन पार्टी के सदस्य संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। उसके लिए कई मापदंड निर्धारित हैं, जैसे सर्वे आधार पर उम्मीदवार की जीतने की क्षमता तथा छवि मायने रखती है। प्रत्याशियों को चयनित करेगी, उनको टिकट देगी जो जीतने की क्षमता रखते हैं और हमारा संसदीय बोर्ड वो तय करेगा। पार्टी अपने स्तर के ऊपर विभिन्न प्रकार के सर्वे करवाती है, सर्वे के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर उनमें टिकट आवंटन किया जाएगा। और जहाँ तक सर्वे की बात है, ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर कराती रहती है। मैं समझता हूँ जो भी जिताऊ प्रत्याशी होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट। अब भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा और किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है ये शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा। और ऐसा भी संभव है कि बहुत सारे जो हमारे सिटिंग MLAs हैं उनके टिकट भी कट जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों के ऊपर दाव खेलेगी जो कि जिताऊ हैं, जिनके ऊपर जनता को भरोसा है, जनता के बीच में रहे, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देगी। जिला बिलासपुर के क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा लंपी वायरस पशुओं की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है और कई पशु इसका शिकार भी हो चुके हैं। क्षेत्र के किसान परेशान हैं और देसी दवाइयों के अलावा वैक्सीनेशन और कई तरह के उपचार किए जा रहे हैं, लेकिन इस सभी के बीच में समाज सेवी संस्थाएं भी इस रोग के निवारण के लिए आगे आए हैं, जिनमें श्री नैना देवी सर्वहित कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य गौतम अपने साथियों के साथ गाँव गाँव में इस रोग से ग्रस्त गोवंश का उपचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाज सेवी संस्थाओं का भी कर्तव्य है कि वह आगे आएं और इस फैल रही महामारी को रोकने के लिए किसानों की सहायता करें। जो विश्व भर में बेजुबान जानवर जो हमारे हैं पशु हैं, उनमें जो बीमारी फैली हुई है, आज हमारी संस्था द्वारा हमारे जो नज़दीकी पंचायतें हैं और साथ लगते जो गाँव हैं वहाँ पर जितने भी हमारे पशु हैं जो बारह छोड़ दिए गए हैं, उनको जो अब जो दवाई तैयार गई है वो खिलाई भी गई। और हमारे जो पशु अस्पताल है वहाँ के कर्मचारियों के साथ उनकी मदद से भी हमारी संस्था के साथ हम सबने मिलके जो है वो उन पशुओं को दवाई भी लगाई और उनका टीकाकरण भी किया गया। हमारी सरकार से भी मांग है कि कोई योजना तैयार की जाए, सबके सहयोग से जो है वो जितने हमारे पशु हैं जो अब गंभीर परिस्थिति में है, जो बेजुमान है, जिनका कोई सहारा नहीं है, सरकार उनके और भी ध्यान दे और उनका टीकाकरण किया जाए। एक तो उनकी जान भी बच सकेगी, साथ ही जो हमारे किसान बागवान हैं जिन्होंने अपने घर में पशु रखे हैं वो फिर उनके संपर्क में ना आएंगे और वो भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। बीते दिन कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल प्रदेश के चीफ नाथूराम चौहान ने कहा है कि पर्यटन नगरी मनाली के प्रवेश द्वार रांगड़ी में कचरे से सैलानियों का स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा है कि यदि रांगड़ी में कूड़े के ढेर को अगर जल्द नहीं हटाया गया तो एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स के द्वारा यह मामला NGT के समक्ष रखा जाएगा। और इसी बीच नाथूराम चौहान ने बताया है कि NGT की तरफ से प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर परिषद को पार्टी बनाया जाएगा तथा उनसे इस मामले की जवाबदेही भी मांगी जाएगी। मैसेज हम दे रहे हैं और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो NGT में हम देंगे इस केस को, तो NGT में जाएगा क्योंकि उस जगह से पूरे हिमाचल की प्रदेश की बदनामी हो रही है। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय को कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी संज्ञान लें, चुनाव सिर पे कि आपको मौके ना खाने पड़े। और क्योंकि मंत्री महोदय अभी इधर से ही है, मैंने मंत्री महोदय तो वहीं यहीं से, तो आप शिमला की हवाओं में वादियों में ना रहें, आप शिमला में ऐसे में उसमें ना बैठे, आप यहाँ रहें मनाली में, आप देखें कि कितनी बुरी बात है। यहाँ तो इतना दुर्गंध है कि सब लोग आप मुँह पे रुमाल लगाना पड़ता है लोगों को, कई लोग वहाँ उल्टी हो जाती है, इतनी गंदी वो है, उसका व्यवस्था करें आप, उसका देखो ट्रीटमेंट होता है आजकल तो
जितना उसमें प्लास्टिक है, इतना प्लास्टिक है, इतने प्लास्टिक से आप कुल्लू से मनाली तक की सड़क बना सकते हैं, पर उस सड़क 20-20 साल तक कहीं जाती नहीं है। ठीक है, बड़ी बातें करते हो विकास की, बड़ी बातें तो डीगे हाँ के आपके पास उद्योग भी रहा है, तो उसमें कहाँ सोए थे आप, देखना चाहिए था आपको, पर मेरे को लग रहा है आजकल ही ढेर हो, तो काफ़ी समय से पढ़ा हुआ है वो, तो हमारी नजर उस पर अभी पढ़ी है, उसका जल्दी जल्दी संज्ञान ले। और मैं पर्यावरण जो यहाँ पर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले उनसे भी कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ देखें इसको, ये तो बहुत जल्दी हम इसको एनजीटी में केस ठोकेंगे, और एनजीटी में पार्टी बनाएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार को, एनजीटी में पार्टी बनाएंगे विधायक मनाली, और एनजीटी में पार्टी बनाएंगे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को, और एनजीटी में पार्टी बनाएंगे एमसी मनाली को भी। भूतनाथ को देखिए, 7 करोड़ रुपये उसकी लागत से लगा है वो, कौन सी इंजीनियरिंग यहाँ पर प्रयोग की गई, कैसी इंजीनियरिंग यहाँ पर थी, मैं तो हैरान हूँ। कुल्लू जो शहर है, एक नाम हिमाचल प्रदेश में, और बहुत आदर सम्मान से लोग लेते हैं कि लोग यहाँ घूमने आते हैं, लोग यहाँ देखने आते हैं, पर जब लोग यहाँ पर दुर्व्यवस्था यहाँ पर जो लोग लो देखते हैं तो दोबारा नहीं आना चाहते। अब देखिए भूतनाथ कुल्ले कितने समय से पड़ा है वो, पर यहाँ के जो स्थानीय लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ 200 मीटर शायद आने जाने के लिए, पर लोगों को 5.5 और 6 किलोमीटर घूम के जाने पड़ता है, कई लोगों को 7-7 किलोमीटर घूम के फिर आना पड़ता। बीते दिन बिलासपुर जिले की एक सरिया फैक्ट्री में 27 अगस्त शनिवार देर रात जोरदार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों की पीजीआई में मौत हो गई है। बता दें कि ब्लास्ट में 8 मजदूर झुलस गए थे, जिसके बाद सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसमें 6 घायलों को पीजीआई रेफर किया गया था और दो का उन अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन इन 8 मजदूरों में से 2 मजदूरों की मौत का समाचार प्राप्त हुआ है, जिनमें दौलत राम और तुषार की इलाज के दौरान मौत हुई है। अगस्त को औद्योगिक क्षेत्र गोलथाई में जो फैक्ट्री में सरियाबाड़ी में हादसा हुआ था, बड़ी दुख की बात हुई। उसमें हमारे लगभग 8 जो मजदूर इंजर्ड हुए, घायल हुए थे गंभीर रूप से, उनमें से 2 PGI ने कल हमें पता लगे दम तोड़ दिया। ये बड़ी दुख की बात है, वो गरीब परिवार से इसमत रखते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, तो हम सरकार से प्रशासन से मांग करते हैं कि सरकार उनको उचित मुआवजा दे उन परिवारों को, ताकि उनके बेचारों को जो दुख की घड़ी में कुछ सहायता मिले, तो हमारा तो ये अनुरोध है कि उन परिवारों को जितनी भी उनकी सहायता बनती हो की जाए, इसके द्वारा कंपनी के द्वारा भी जो उचित मुआवजा उनको दिया जाए, जो उनके लगे हुए बेचारे वर्कर थे अभी थोड़ी आयु के बच्चे थे, जितनी उनकी नौकरी बनती है जैसा भी उनका मुआवजा बनता है उनको दिया जाए। जिला लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई बारिशों से घाटी में अब सुबह व शाम के समय ठंडक महसूस की जा रही है, तो वहीं ऊंची चोटियों पर भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी हो गया है। मनाली ले सड़क मार्ग के तांगलांग दर्रे पर इस साल के सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, वहीं यह पूरा दर्रा बर्फ की सफेद चादर से भी ढक गया है। हालांकि बर्फबारी होने से यहाँ वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मनाली ले सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही लगातार सुचारू है। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत कालाम के प्रधान को विकास कार्यों में अनियमितताओं व पंचायत कार्यालय में कार्यशैली को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर प्रधान को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा, अन्यथा विभाग कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मीडिया को जानकारी देते हुए पंचायत अधिकारी जिला सिरमौर अचित डोगरा ने बताया है कि कालाम पंचायत की प्रधान के खिलाफ लगातार विकास कार्यों समेत उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर विकासखंड अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायत प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि नोटिस में 15 दिनों के भीतर प्रधान को जवाब देना होगा, अन्यथा विभाग नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी पंचायत प्रधान के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसको लेकर विभाग ने प्रधान को हिदायतें जारी करते हुए चेतावनी दी थी, लेकिन पंचायत प्रधान द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है। प्रधान कालाम के विरुद्ध विभाग जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर को कई स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी तफ्तीश करने के लिए खंड विकास अधिकारी को इंक्वायरी अफसर नियुक्त किया गया था। उन्होंने रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की, जिस रिपोर्ट के संदर्भ में
हमारे द्वारा प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह जो कंप्लेंट्स थी ये कार्यों को तथा ग्राम पंचायत की कार्यशाली को लेकर संबंधित थे। इनको अभी अपना उत्तर देने का समय दिया गया है। आगामी कार्रवाई उत्तर देने के बाद करी जाएगी। चुनाव उत्सव कार्यक्रम में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष गर्ग ने छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को संबोधित किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि चुनाव उत्सव मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने व मतदान करके लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि हमें जाति धर्म क्षेत्रवाद संप्रदायवाद आदि से ऊपर उठकर अपने संपूर्ण समाज की बेहतरी के लिए विचार करके स्वतंत्र निर्णय के साथ मतदान करना चाहिए। विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में और सभी जिलों में जो है वोटर अवेयरनेस और इलेक्टोरल अवेयरनेस को लेकर स्वीप कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है और स्वीप कार्यक्रम को हमारे प्रदेश में उत्सव का नाम दिया गया है। तो उत्सव की ओवरऑल थीम के अंतर्गत जो है सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे ज़िला के मैक्सिमम कॉलेजेस को इन्वॉल्व करके जो है एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, जिसका मेन मोटिव यही था कि हम हमारे जो नए वोटर्स हैं, खासकर ऐसे वोटर्स जिन्होंने इस बार इलेक्शन में पहली बार मतदान करना है, उनको हम इलेक्टोरल प्रोसेसेस को लेकर, मतदान को लेकर उनको अवेयर करें और ये इंश्योर कराएं कि जिन लोगों के मत जो है अभी जो एलिजिबल है वो अपना इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनको अवेयर करें कि वो अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र अति शीघ्र करवाएँ। और उसके अलावा जो अभी इस समय ज़िला भर में EVM VVPATs की अवेयरनेस से संबंधित जो एक कैंपेन ज़िला में चलाई जा रही है, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सबको जागरूक किया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि पार्टिसिपेशन पूरे ज़िला के अलग अलग कोनों के कॉलेजेस का, ITIs का, स्कूलों का यहाँ पे रहा है, तो इनके माध्यम से ये मैसेज और मीडिया के माध्यम से ये मैसेज सब लोगों तक जाएगा और ना केवल कि हमारी इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्रूव होगी आने वाले दिनों में, जब हमारे इलेक्शन का शेड्यूल निर्धारित होगा तो मतदान के दिन जो है वो वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। स्पेशल समरी रिविज़न जो है वो चल रहा है, जो 11 तारीख तक चलेगा इस महीने की, और इस स्पेशल समरी रिविज़न में जो है BLO के पास फॉर्म 6 भर के भी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है उस ऐप के माध्यम से सब लोग बड़े आराम से सरल तरीके से ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितने हमारे नए वोटर्स हैं खासकर वो सब टेक सेवी हैं, सब लोग मोबाइल और ऐप्स को यूज़ करते हैं। तो मेरा सभी से ये आग्रह रहेगा कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल होता है कि इस समय पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस समय यहाँ पर प्रदेश में या ज़िला में रिसाइड नहीं कर रहे हैं, टेम्परेली जॉब्स के लिए प्रदेश से बाहर होते हैं, पर उन्हें वोट देने के लिए उस दिन यहाँ पर आना है, तो वोटर हेल्पलाइन यूज़ करके जो है सब लोग उसमें अपना वोट दर्ज कर सकते हैं। और जितने भी लोग 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं वो सारे एलिजिबल हैं, वो सब अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। पदयात्रा 150 दिन तक चलेगी और 3,500 किलोमीटर तय किए जाएंगे। यात्रा 12 राज्यों के मुख्य रूप से होती हुई हिमाचल को भी छूती आगे बढ़ेगी। यह बात शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। मोहन ने कहा है कि आज देश केंद्र सरकार की प्रायोजित नीतियों के चलते गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। इन चुनौतियों से देश को उभारने और देश के युवाओं को बचाने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सितंबर से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी 3,500 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस पार्टी करेगी। उसका उद्देश्य है कि इस देश के लोगों को एक साथ जोड़ के और जो आज तबाही इस मुल्क में हो रही है,
बर्बादी जो हो रही है इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में ये जो जो केंद्रीय सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ लोगों को एकजुट करने की ये एक प्रयास होगा। नंबर एक, जो महंगाई है, कल कांग्रेस पार्टी ने 4 तारीख को दिल्ली में लाखों लोगों की भागीदारी के साथ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की आयोजित किया है। महंगाई नहीं हो रही है बल्कि ये मोदी सरकार के द्वारा लूट की छूट अपने मुनाफाखोर मित्रों को दी जा रही है और हमेशा सरकारें दखल देती हैं और उपाय करती हैं कि महंगाई कम हो, लेकिन इस देश की सरकार स्वयं ऐसे नीतियां बना रही हैं और पूंजीपतियों को, मुनाफाखोरों को छूट दे रही हैं जिसके वजह से इस देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। दूसरा, बेरोजगारी, जिस तरीके से 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय है, जो लगी हुई नौकरियां थी वो नौकरियां भी छूट रही हैं और ऐसे में सरकार के द्वारा कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि कल बेहतर हो सकेगा रोजगार की स्थिति। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। आज देश व प्रदेश में कांग्रेस डूबता जहाज है जिसमें से कांग्रेस नेता कूद कूद कर अपना वजूद बचाने के लिए मजबूर है। दशकों से कांग्रेस की सेवा करने वाले नेता आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र ही नहीं प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से त्रस्त है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज कई गुटों में बटी हुई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छिन बिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जो आज देश में अपना अस्तित्व खो चुकी है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस प्रकार के मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो ऐसा करके उन्होंने एक यात्रा का आरंभ किया है। मैं समझता हूं इससे पहले उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान को चलाना चाहिए। नबी आजाद जो एक सीनियर कांग्रेस लीडर रहे हैं, 50 साल से ज्यादा उन्होंने पार्टी के लिए दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। कपिल सिब्बल पहले ही छोड़कर जा चुके हैं और बहुत सारे दूसरे नेता भी, आनंद शर्मा जी जो कि कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने जो प्रदेश की जो स्टीयरिंग कमेटी बनी थी कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन को लेकर, उससे रिजाइन कर दिया। अर्थात परिवारवाद से कांग्रेस के नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। एक ही परिवार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी है और यही कारण रहा कि लंबे समय से, पिछले लगभग 20 सालों से कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकी, कभी बेटा बनता कभी मम्मी बनती है। तो मैं समझता हूं आज कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, परिवारवाद से त्रस्त हैं। ना केवल दिल्ली में, प्रदेश में भी यही स्थिति है, यहां भी परिवारवाद से कांग्रेस पार्टी त्रस्त है। उसी का नतीजा है कि कई गुटों में यहाँ कांग्रेस पार्टी आज बटी हुई और इस प्रकार से छिन्न भिन्न कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं समझता हूँ दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी हमारे देश और प्रदेश के नक्शे से गायब हो जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लेते हुए भ्रष्टाचारी करार दिया है और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मॉडली फेल हो गया, जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, शराब माफिया को शह देते हैं, शराब घोटाले की बू पूरे देश भर में है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी फंस चुकी है, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हुआ, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, पंजाब के जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर भी स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बर्खास्त है जेल में। आप कल्पना कीजिए जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, जिनके कई विधायकों की छुट्टी हुई भ्रष्टाचार के चलते, ये बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल की पहचान है। आम आदमी पार्टी की सरकार को आज बेवड़ी सरकार,
और कट्टर भ्रष्टाचार के नाम पर जाना जाता है। इनके ऊपर जो आरोप लगे शराब घोटाले के, मुख्य आरोपी मोनीश सिसोदिया जी और किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी, आज तक जवाब नहीं दे पाए। 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% क्यों हुई, किस किसने खाई? मलाई अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने कितनी खाई? 144 करोड़ वापस किए शराबियों को, शराब व्यापारियों को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।